किसानों की फसल अब भूरे रतवे से सुरक्षित हो सकती है। आपको बता दें कि वैज्ञानिकों द्वारा LR80 जीन की पहचान कर ली गई है। यह LR80 जीन भूरे रतवे से फसल को सुरक्षित रखेगा। 20 वर्षों के प्रयास के बाद कृषि वैज्ञानिकों को यह सफलता मिली है। राष्ट्रीय गेहूं अनुसंधान संस्थान के निदेशक का कहना है कि गेहूं की बीमारी से अब व्यापक सुरक्षा मिलेगी। निर्मित LR80 जीन की इस बीमारी पर कारगर साबित होगा। भूरे रतवे नामक बीमारी से जूझ रहे कृषि वैज्ञानिकों को 20 वर्षों बाद अंतरराष्ट्रीय सफलता हासिल हुई है। बता दें कि देश के एकमात्र राष्ट्रीय गेहूं अनुसंधान केंद्र करनाल ने क्षेत्रीय केंद्र शिमला व सिडनी विश्वविद्यालय के तत्वाधान में चल रहे शोध से LR80 नामक जीन की पहचान संभव हो पाई है। संस्थान के निदेशक डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि ये जीन हमारे ही लैंड रेस में पाई गई है, जिसे हिमालय क्षेत्र में पहचाना गया है। इससे भूरे रतवे के खिलाफ जो कार्य किया जा रहा है उसे और बल मिलेगा। इस जीन को अन्य किस्मों में समावेश करके ऐसी किस्में विकसित करेंगे जो ना केवल भूरे रतवे के प्रतिरोधी होंगी अपितु पैदावार भी अधिक होगी। किसानों को इससे काफी फायदा होगा और उन्हें दवा आदि पर अतिरिक्त खर्च नहीं करना पड़ेगा। साथ ही यह पर्यावरण संतुलन में भी सहयोगी होगा। उन्होंने कहा कि फसल उत्पादन में रतवा एक गंभीर समस्या है और कृषि वैज्ञानिक निरंतर इसके खात्मे के लिए काम कर रहे हैं। यही कारण है कि पिछले 40 सालों में रतवे का ज्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिला है। डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप ने कहा कि इस जीन की खासियत यह है कि यह लंबे समय तक कारगर रहता है और इसका व्यापक प्रभाव रतवे की बीमारी पर पड़ता है। बताते चले कि भूरे रतवे नामक बीमारी से जूझ रहे कृषि वैज्ञानिकों को 20 वर्षों बाद अंतरराष्ट्रीय सफलता हासिल हुई है। किसानों की फसल अब भूरे रतवे से सुरक्षित हो सकती है। वैज्ञानिकों द्वारा LR80 जीन की पहचान कर ली गई है। वहीं राष्ट्रीय गेहूं अनुसंधान संस्थान के निदेशक ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि गेहूं को बीमारी से अब व्यापक सुरक्षा मिलेगी। निर्मित LR80 जीन इस बीमारी पर कारगर साबित होगा। भूरे रतवे नामक बीमारी से जूझ रहे कृषि वैज्ञानिकों को 20 वर्षों के बाद अंतरराष्ट्रीय सफलता हासिल हुई है। संस्थान इसका क्षेत्रीय केंद्र जो फ्लावरडेल शिमला में है और सिडनी विश्वविद्यालय के तत्वावधान में पिछले कुछ दिनों से एक शोध का कार्यक्रम चल रहा था और एक बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धि के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक नया जीन जो भूरे रतवे के लिए प्रतिरोधी क्षमता देगा उसका पहचान किया गया और उसको कैटलॉग किया गया। इस जीन को LR80 कहते हैं। ये जीन जो है हमारी एक लैंड रेस है जो भारत में ही पैदा होने वाली है और हिमालय क्षेत्रों में पाई जाती है, उसमें आइडेंटिफाई किया गया है। और इस जीन के आ जाने से जो भूरे रतवे के प्रतिरोधी किस्मों के विकास का कार्यक्रम है उसको बहुत ज़्यादा बल मिलेगा और जो आने वाली किस्में होंगी उनमें हम समय और परिस्थिति के अनुसार इन जीन का समावेश करके ऐसी किस्मों का विकास करेंगे जो ना सिर्फ रतवे से प्रतिरोधी क्षमता दिखाएंगी बल्कि जो उत्पादन है उसमें भी उच्च स्तर को प्राप्त करेंगे। किसानों को किस तरह से लाभ होगा और फसल की पैदावार में भी असर पड़ेगा? जैसा मैंने कहा कि किसानों के लिए ही सब कार्यक्रम हमारे संस्थान के माध्यम से चलता है, चाहे बहुत बेसिक रिसर्च भी हो तो वो भी ट्रांसलेट होके किसान की किस्म के रूप में आता है। तो इस केस में भी जो LR80 नामक जीन हमने खोजा है वो हम किस्मों के उसमें समावेशित करेंगे और ऐसी किस्मों का विकास करेंगे जिससे कि किसान के खेत में रतवे का प्रकोप ना हो और उन्हें दवाई इत्यादि पे अतिरिक्त खर्च न करना पड़े। साथ ही ये पर्यावरण के संतुलन में भी बहुत सहयोग करेगा। और रतुआ हमारे देश का एक बहुत ही गंभीर खतरा है और चाहे भी पीला हो चाहे भूरा हो या काला रतुआ हो, इस पे लगातार शोध चल रहा है। यहाँ जो प्रमुख बात है ये एक जीन को हमने देश की एक लैंड रेस में खोजा है, ये विशेष तौर पे वैज्ञानिक उपलब्धि। अदरवाइज तो आप देखेंगे कि ये कार्यक्रम निरंतरता में चलता रहा है पीछे भी और आगे भी चलता रहेगा, जिससे कि आपको जानकर हर्षी होगा कि पिछले 40-50 वर्षों में इस देश में रतवे की कोई खास समस्या अभी तक नहीं आई। वो हमारे वैज्ञानिकों का ही श्रेय है कि अनवरत जो उनका प्रयास है उसके परिणाम स्वरूप ऐसी ऐसी किस्मों का विकास किया गया जो जिसमें रतवे की समस्या ना हो। तो ये सर पहली बार हुआ है जो ब्राउन रतवे की खोज की गई है? तो ये जीन को हमने जो खोजा है, इससे पहले भी 4 अन्य जीन भारत में खोजे जा चुके थे, लेकिन ये कहना अवश्य चाहता हूँ कि काफ़ी समय के उपरांत
लगभग 20 वर्षों के बाद एक ऐसे जीन की खोज की गई है भारत में जो बहुत लंबे समय तक किसानों के खेत पे बना रहेगा, क्योंकि इसका जो प्रतिरोधी क्षमता है बहुत व्यापक तौर पे, जिसको ड्यूरेबल रेजिस्टेंस हम कहते हैं, तो मेरे ख्याल से काफ़ी कारगर साबित होगा। और हमारी सकुशलता पे निर्भर करता है कि हम कैसे बुद्धिमत्ता से इसका प्रयोग करते हैं और कैसे डिप्लॉयमेंट करते हैं। ये जो जीन है LR80 जीन है, ये पहली बार पांचवी जीन है जो कि हमारे इस भारतवर्ष से भूरा रतुआ की बीमारी के अगेंस्ट आइडेंटिफाई की गई है। और जो ये भूरा रतुआ जीन है, ये नया तरह का जीन है जो कि अभी तक भी हमारे जितनी भी भारतीय प्रजातियां गेहूं की उत्पन्न की गई हैं उसमें अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ है। और इस तरह से हम जितनी भी हमारी गेहूँ की प्रजातियाँ हैं उसके अगेंस्ट बहुत ही जो भूरा रतुआ के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होगी। सर कितना फायदेमंद है और ये जो डाउन रतुआ था कितना नुकसान पहुंचाता था जो फसलों में? ये जो भूरा रतुआ है आमतौर पे जो कि ये बीमारी है मध्य भारत की बीमारी है, और जैसा कि ये जो बीमारी 15 से 20 टेम्परेचर में होती है तो इसके अंदर जितने मध्य भारत है वहाँ की मुख्यतः बीमारी है। पर जैसे जैसे आप देख रहे होंगे कि जो पर्यावरण है और जो मौसम है बदल रहा है, तो ये देखा गया है कि ये जो बीमारी है हमारे जो कि मुख्य गेहूँ का क्षेत्र है जैसे पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश और जो हमारा हिमाचल प्रदेश है वहाँ पे भी जो ये बीमारी फरवरी में आ रही है, और मुख्य तौर पे इसका जो लॉस है 15 से 20% तक का आंका गया है इन हमारे इन क्षेत्रों में जहाँ पे गेहूँ होता है। सर काफ़ी फायदेमंद होगा आने वाले? बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा और ये बिल्कुल नई जीन है जो अभी तक भी हमने हमारी प्रजातियों में नहीं है। इसकी प्रजाति में जो विभिन्न गेहूँ की प्रजातियों से डालने से इसका बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा, बहुत ही ज़्यादा हमारी पैदावार जो कि जो भूरा रतुआ से हम उसको बचा सकते हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम प्रेमलाल कश्यप है, मैं यहाँ पे वैज्ञानिक हूँ जो कि पादप रोग पे काम करता हूँ। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बैंक्वेट्स लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana, and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching, and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.